शहर के बिलड़ी गांव में शनिवार को केलपोश मकान में रसोई गैस पर खाना बनाने के दौरान गैस की टंकी रिसाव होने से आग लग गई। आग लगने से केलपोश मकान में रखे सोने चांदी तथा कैश रुपए जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के बिलड़ी गांव के पटेलवाड़ा फला निवासी शांतिलाल पुत्र शिवा मनात ने बताया कि उसकी पत्नी घर के अंदर रसोई में घर में गैस के चूल्हे पर खाना बना रही थी। इस दौरान गैस की टंकी में गैस का रिसाव होने से घर आग की चपेट में आ गया। खाना बना रही लक्ष्मी मनात चिल्लाते हुए घर के बाहर दौड़ती हुई आई। गैस रिसाव के चलते शांतिलाल का केलपोश मकान आग की भेंट चढ़ गया। आग के चलते घर में रखे कपड़े अनाज सहित पेटी में रखे 20,000 रुपए नगद और चांदी और सोने के आइटम भी आग की भेंट चढ़ गए। वहीं पास में ही शांतिलाल के पिताजी शिवालाल मनात आग की चपेट में आ गया। शिवलाल मनात ने बताया कि एक दिन पहले ही घर के आवश्यक कार्य के लिए बैंक से 20,000 रुपए नगद लेकर आए थे जो आग की भेंट चढ़ गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के दो वाहन तथा कोतवाली पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा तथा फायर ब्रिगेड की दो वाहनों ने केलपोश घर में लगी आग पर काबू पाया। आग से करीब 3,00,000 रुपए का सामान आग की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलने पर वार्ड पंच और पटवारी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर मौका पर्चा बनाया। शिवलाल मनात ने बताया कि घर में आग लगने के दौरान आंगन में खाट पर सोया हुआ था तथा उसके पुत्र शांतिलाल और उसके बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। घर के अंदर कोई नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपके यहाँ? आग लगी गैस। कैसे लगी यहाँ? गैस लीकेज था ऐसा लगे। अच्छा, क्या कौन खाना बना रहा था क्या वहाँ पर? कौन था खाना बनाने वाला? बहू। अच्छा, तो आग में कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हुआ ना सर, 3,00,000 पूरा। अच्छा, रकम पूरी गल गई, कपड़े नाश भी। और इसके अलावा जो पैसे जल गए है ना, कितनी नकदी थी? पैसे कितने थे आपके? पैसे इस घर में 10,000, उसमें 20। अच्छा, पूरा 20 जल गया। और दौरान घर पे कोई था क्या आसपास? वहाँ पर कौन कौन थे घर में? घर में पूरा परिवार थी। अच्छा, किसी को कुछ जला ला थोड़ी इसमें? बाहर थे सब। सब बाहर थे। और आपकी बहू? बहू अंदर खाना बना रही। वो जली थोड़ी है वो? ना जली नहीं। अच्छा, कौन कौन आया था सूचना पर यहाँ पर? पटवारी साहब आए थे और कोतवाली साहब, ये फिर ये बस स्टैंड वो चौकी वाला है, और सरपंच साहब आए, नेमर आए,